हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। एंड अगर हम इस टाइम फेसबुक के बारे में बात करें तो लिटरली सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, लाइक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा आपके डेटा के बारे में, लाइक वो सेफ़ है या फिर अनसेफ है? एंड अगर आपने कभी नहीं सोचा होगा तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बात बताऊँगा डेटा से रिलेटेड। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो सेफ़ है या फिर अनसेफ है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सबके लिए। एंड बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है इस वीडियो में, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि फेसबुक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया वेबसाइट है और इसे करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। एंड अगर आप इसके मंथली एक्टिव यूजर्स देखते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हैकर्स ने फेसबुक वेबसाइट को हैक कर लिया था और वहाँ से 29 मिलियन यूजर्स की डेटा को चुरा कर ले गए थे। लाइक मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या था। ये अटैक हुआ था लास्ट मंथ को, जहाँ हैकर्स ने फेसबुक के व्यू एज फीचर का यूज़ किया था यूजर्स के डेटा को चुराने के लिए। इस अटैक में करोड़ों यूजर्स के डेटा एक्सपोज हुए थे, लाइक उनके नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनके बर्थ डेट, कॉलेज के नाम, स्कूल के नाम एंड डिवाइस के नाम जिनमें वो फेसबुक ब्राउज करते थे, और यहाँ तक कि उनका लोकेशन भी एक्सपोज हुआ था। सारी डेटा एक्सपोज होने के बाद फेसबुक ये कहता है कि अगर आपको जानना है आपका अकाउंट हैक हुआ था, आपका डेटा चोरी हुआ था, तो आप जान पाओगे, लाइक आपको फेसबुक हेल्थ सेंटर में जाना पड़ेगा एंड आप वहां से देख पाओगे कि आपका डेटा चोरी हुआ था या नहीं। मैं आपको लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप एक क्लिक में सीधा पहुंच जाओगे आपके डेटा की इन्फॉर्मेशन के बारे में। लाइक वहां से आप डायरेक्टली देख पाओगे अपने अकाउंट के बारे में और आप वहां पर चेक कर पाओगे आपका डेटा हैक हुआ था या नहीं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिनका अकाउंट हैक हुआ था उन्हें केयरफुली रहना होगा, क्योंकि जिस टाइप से डेटा लीक हुआ है या फिर डेटा चोरी हुआ है वो यूज़र्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके बाकी के अकाउंट्स को भी खतरा है। एंड फेसबुक ने यह भी कहा है कि जिन यूज़र्स का लाइक अकाउंट हैक हुआ था उन्हें फेसबुक की तरफ से मैसेज मिलेगा ये कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, और बाकी के 15 मिलियन यूज़र्स का सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ही एक्सपोज हुआ था जो उन्होंने फेसबुक अकाउंट में शेयर किया था। एंड फेसबुक का ये भी कहना है कि वो FBI के साथ काम कर रहे हैं और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड इन द एंड एक अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ फेसबुक तक ही लिमिटेड है और बाकी बात इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर किड्स मैसेंजर में ये डेटा चोरी नहीं हुई है। तो इन द एंड में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो जल्द से जल्द अपने अकाउंट के बारे में चेक कर लो, लाइक वो हैक हुआ था या नहीं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक क्लिक में अपने अकाउंट के बारे में जान पाओगे आपका डेटा चोरी हुआ था या नहीं। एंड अगर आपका डेटा चोरी नहीं हुआ था तो जल्द से जल्द अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा फेसबुक से हटा लो, क्या पता फिर से कोई हैकर फेसबुक को हैक कर ले और नेक्स्ट टाइम आपका डेटा चोरी हो जाए। एंड शायद कुछ ही दिनों में मैं अपना पर्सनल अकाउंट को भी फेसबुक से डिलीट कर दूंगा। बस यार आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। और मेरे को भी पता है कि आज काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई होगी लाइक वीडियो में, क्योंकि मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो था। एंड अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।